हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं 5 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि रॉयल एनफील्ड जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपने स्पाई इमेजेस में देख लिया होगा कि रॉयल एनफील्ड मल्टीपल बाइक्स पे वर्क कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, चाहे वो रोडस्टर हो, चाहे हंटर हो, चाहे 250cc हो, चाहे बॉबर मॉडल हो, चाहे हिमालयन के 650cc मॉडल हो, इन सभी मॉडल्स पे रॉयल एनफील्ड जो है वर्क कर रहा है। 2020 में बहुत सारी जो बाइक्स हैं वो लॉन्च होने वाली थी, बट ड्यू टू कोरोना वायरस, जो COVID-19 है, उसके वजह से जो बाइक्स हैं वो डिले हुई हैं। तो दोस्तों, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है, कब लॉन्च होने वाली है, क्या फीचर्स है, वो सारे डिटेलिंग है इस वीडियो में मैंने दी हुई है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिटेल मिल सके। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 50 मॉडल। एंड इस मॉडल का वेट तो दोस्तों बहुत सारे रेड कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन न्यूज़ हो या फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसके बारे में डिटेलिंग कवर कर रखा है। इवन मैंने भी इस बारे में बहुत अच्छी डिटेलिंग कवर कर रखी है। आई बटन पे आ रही होगी, जिसमें कि आपको इसके इंजन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी सीटिंग के बारे में और क्या क्या इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, वो सारी डिटेलिंग भी दी हुई है। तो आप जाके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में अभी जो कवर करने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट। दोस्तों, लॉन्च डेट जो था वो अप्रैल के आसपास ही होने वाला था, जब BS6 में मॉडल आने वाला था, बट दोस्तों डिले हुआ है COVID-19 के वजह से, जिससे कोरोना वायरस जो है वो अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से डिले जो है किया हुआ है। एंड इस मॉडल का जो लॉन्च है, अभी कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास में हो सकता है, अगर सिचुएशन सही रहा तो, बिकॉज आपको मालूम है मल्टीपल सिटीज़ में लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा लॉन्च है डिले किया हुआ। अब इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं, तो उसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है X5 जो कहा जा रहा है 170 कहा जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 170 जो है वो क्लासिक का ही है। दोस्तों, ये जो मॉडल है फीचर्ड मॉडल है, इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा R&D की रॉयल एनफील्ड, तो मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस होगा 190 या 2 लाख के आसपास में ही एक शोरूम प्राइस होने वाला है। बट लेट्स सी, अगर मॉडल आया तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि मॉडल का प्राइस कितना होगा। दोस्तों, नंबर 2 पे है रॉयल एनफील्ड का नेक्स्ट जेन क्लासिक 350 मॉडल। इस मॉडल का जो नाम है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसलिए क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन मॉडल ही कहा जा रहा है। एंड दोस्तों, इस मॉडल का भी बहुत सारे राइडर वेट कर रहे हैं, बिकॉज रेट्रो लुक के साथ में न्यू फीचर्स जो है रॉयल एनफील्ड इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो आपके लॉन्ग शॉट राइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि डिस्प्ले जो है इसका सेमी डिजिटल कंसोल रहेगा इसका दोस्तों, और इंजन फॉर्मेट जो है SOS इंजन फॉर्मेट जो है वो आने वाला है, जिससे कि आपका जो पिकअप है, स्पीड है, थोड़ा इंक्रीज होगा, अच्छा मिलेगा आपको। एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलने वाला है, जो राइडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ में आप देखेंगे प्री टेल लाइट भी चेंज है, एग्जॉस्ट भी जो नोट होगा वो भी चेंज होगा, एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो भी टोटली चेंज होने वाला है, अलॉय व्हील, ट्यूबलेस, ये सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, जो एक राइडर को नीड होता है, एक यंगस्टर जो नए राइडर्स हैं ना, उनको एक्चुअल में चाहिए इस मॉडल में। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है इसका एक्सपेक्टेड अगर प्राइस की बात की जाए तो 1,80,000 टू 1,90,000 के आसपास में होने वाला है। दोस्तों, ऑनलाइन जो मीडिया है उसमें थोड़ा सा प्राइस जो है कम कहा जा रहा है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 1,80,000 टू 1,90,000 के आसपास रहने वाला है। एंड जो इसका लॉन्चिंग डेट की बात करें, ये मॉडल आपको मीटियोर के बाद में मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप मालूम है कि मीटियोर में भी डिले हो रहा है, तो इस मॉडल में भी सेम डिले होने वाला है, बिकॉज ये मॉडल भी जो है ये नवंबर के आसपास में आने वाला था, बट दोस्तों अब जो है ये 2021 में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है मार्च अप्रैल के आसपास। दोस्तों, नंबर 3 पे है रॉयल एनफील्ड का बॉबर कॉन्सेप्ट KX। दोस्तों, इसका भी मॉडल का बहुत सारे राइडर वेट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जीबिशन में ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया रॉयल एनफील्ड ने कि ये मॉडल जो है लॉन्च होगा। एंड दोस्तों, फुल्ली लोडेड एंड फीचर्ड मॉडल होगा। दोस्तों, पावर तो रहेगा ही रहेगा आपको, 838cc का इसका इंजन फॉर्मेट होने वाला है, OHV इंजन फॉर्मेट होगा दोस्तों, वी ट्विन आपको पिस्टन्स मिलेंगे, जो कि वी फॉर्मेट का इंजन इसके अंदर लगा जाने वाला है। मैक्सिमम पावर जो आपको दे रहा है, टेंटेटिव आइडिया जो दिया हुआ था रॉयल एनफील्ड ने, वो 19 HP के आसपास में दिया हुआ था। अभी जब फुल्ली जब मॉडल जो वर्किंग मॉडल जब लॉन्च होगा ना, तो एक्चुअल में डिटेल होगा कि कितना पावर ये प्रोड्यूस करने वाला है। फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क मिलने वाला है, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे दोस्तों, ABS मॉडल मिल जाएगा, एंड दोस्तों TRL हेडलाइट, बहुत सारे फीचर्स आपको डिस्प्ले, अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले में आपको ब्लूटूथ सिंबल दिखेगा, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर। आपको लोअर सीटिंग हाइट मिलने वाली है, सिंगल सीट मिलने वाला है। अगर इसके प्राइसिंग की बात की है, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो 3 लाख टू 4 लाख के आसपास में कहा जा रहा है कि 3 लाख से 4 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग जो है वो रहेगी। एंड दोस्तों, इसका एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है वो रहने वाला है 2022 के आसपास है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि सिचुएशन जो है अभी जो हार्ड चल रही है, बहुत सारे मॉडल जो है डिले हो रहे हैं, तो 2022 से पहले तो ये मॉडल नहीं आ सकता है।
दोस्तों नंबर फोर पे है रॉयल एनफील्ड का हिमालय 650cc मॉडल। दोस्तों इस मॉडल को ऑनलाइन मीडिया न्यूज चैनल ने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ है कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड हिमालय जो है 650 में जरूर लॉन्च होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का 650 इंजन जो है सक्सेसफुल रहा भी है एंड दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस पिकअप भी दे रहा है और फीचर्ड भी इंजन है। तो दोस्तों ये इंजन जो है हिमालयन में पहले आने वाला है। दोस्तों हिमालयन में नीडेड भी है बिकॉज मैक्सिमम राइडर्स जो हिमालयन बाय करते हैं वो पर्पज़ के लिए लेते हैं, जैसे जो लॉन्ग राइड करते हैं, जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं वो हिमालयन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों अगर उसमें पावर दे दिया जाए, अगर 650cc का इंजन दे दिया जाए तो दोस्तों वो फिर बाइक जो होगी बवाल हो जाएगा, धमाका बन जाने वाली है, जिसमें कि आपको पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स और कंफर्ट ऑन रोड ऑफ रोड एक मिनी एडवेंचर बाइक जो आपको मिल जाएगी। अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो ये 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में रहने वाला है। एंड दोस्तों इसके लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो ये आपको 2021 के आसपास में, मिड के आसपास में ही देखने को मिलेगा, अगर सिचुएशन मार्केट की सही रही तो। दोस्तों नंबर फाइव पे है रॉयल एनफील्ड का 250cc मॉडल। दोस्तों ऑलरेडी जो है ऑनलाइन न्यूज़ मीडियाज ने जो स्पाई इमेजेस जो है, जो रॉयल एनफील्ड की टेस्टिंग जो स्पाई इमेजेस है शो कर रखी है कि दोस्तों इस पर ऑलरेडी जो 250cc इंजन है उस पर रॉयल एनफील्ड वर्क कर रहा है ताकि इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्रिएट कर सके। कई सारे जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडियाज हैं इसको रोडस्टर या फिर हंटर बोल रहे हैं, बट अभी जो है नेम जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। दोस्तों अभी इसमें सिर्फ जो कोडिंग दी हुई है J1C कोडिंग इस मॉडल को दिया हुआ है, अभी नाम जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, बट जो प्राइसिंग है वो टोटली इकोनॉमिक होने वाला है। इंजन फॉर्मेट पे अभी पूरा डिटेल नहीं है इस पे, तो जो प्राइसिंग होने वाली है 1,25,000 से लेके 1,50,000 के बीच में ही होने वाली है, जिससे कि एक यंगस्टर्स के लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया जा सके। एंड दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट था 2020 में ही होने वाला था, बट अभी 2021 में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो 2021 में आपको मार्च अप्रैल के आसपास में देखने को मिल सकता है इसका मॉडल का लॉन्च, अगर सिचुएशन मार्केट का सही रहा तो ये उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको टेंटेटिव आइडिया हो चुका होगा प्राइसिंग को लेके, लॉन्च डेट को लेके और फीचर्स को लेके भी। दोस्तों आई बटन पे आप जरूर क्लिक करेगा, वहाँ पे भी इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखी है हर एक मॉडल पे, तो वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिटेल मिल जाएगी कौन से मॉडल आने वाले हैं, किस फीचर्स के साथ में आ रहे हैं, किस प्राइसिंग के साथ में आने वाले हैं। दोस्तों ड्यू टू कोरोना वायरस जो बहुत सारे लॉन्च डेट हैं ना वो डिले हो चुके हैं, वो डिले कितने हुए हैं उसका एक टेंटेटिव अनुमान ही लगा सकते हैं, बिकॉज अब ये कोरोना वायरस कब तक जाएगा उस पर डिपेंड करता है और मार्केट सिचुएशन क्या होगी उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों आपको कौन सा बेस्ट पिकअप है इन मॉडल में से, इस टॉप फाइव में से कौन सा आपको बेस्ट लगता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ख्याल रखिए और देखते रहिए बुलेट, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।